पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हम लोग पूरी बीच गए हुए थे। इसके बाद बढ़ते हैं आगे कोणार्क टेम्पल की ओर। देखते हैं दोस्तों, कोणार्क मंदिर पहुंच गए हैं। रास्ते में खाना पीना खाए थे तो ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अभी देखते हैं एंट्री वगैरह होती है नहीं होती है। कोणार्क मंदिर का यहाँ पर पूरा का पूरा दृश्य आप लोगों को देखने को मिलेगा। म्यूज़ियम के अंदर में यहाँ पर शनिदेव महाराज, जो कि शनि मंदिर के नाम से फेमस हैं और दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, कोणार्क टेम्पल, तो आप लोग यहाँ पर पूरा का पूरा दृश्य देख सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे भैया सुभाष जायसवाल जी, जिनके साथ हम घूमने गए और वहाँ पर रखी कुछ पुरानी मूर्तियाँ देखने को यहाँ पर मिली। एंड यह वह चक्र है जो कि पूरे समय का विस्तार पूर्वक आप लोगों को समय चक्र दिखाता है। कुछ यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ रखी हुई हैं जो कि रियलिटी में देखने में आप लोगों की मनोकांक्षाएँ और आप लोगों को देखने पर मजबूर कर देंगी कि पिछले समय के कलाकार मूर्तिकार किस तरीके से मूर्तियां बना रहे थे। यह अपने आप में बहुत ही देखने योग्य है। आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमें फ़ोटो शूट करने का भी मौका मिला, बहुत अच्छा प्रतिबिंब रहा वहां पर और बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां अंदर हैं। साथ में जैसे हम लोग निकले, बंदर जी हमको देखने को मिले थे पहले, तो उनका हमने एक छोटा सा वीडियो शूट कर लिया। गजब।